तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि 3D एनिमेशन वीडियोस, वीडियो 3D एनिमेशन एनिमेशन वीडियोस वीडियोस कहाँ मिलेंगी, ठीक है, कहाँ मिलेंगी, विदाउट कॉपीराइट, ठीक है, विदाउट कॉपीराइट, प्लस प्लस क्या स्टोरी, उसके साथ स्टोरी वीडियोज़ कहाँ से मिलेंगी, स्टोरी वाला वीडियोज कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे, जिस पे हम वीडियो बनाएं और वीडियो बनाते ही क्या हो जाए, ग्रो हो जाए, वीडियो बनाते ही ग्रो हो जाए। आप देखो कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की, ठीक है, स्टोरी कहाँ पे मिलेगा, तो स्टोरी आपको मिलेगा डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के चैनल पे स्टोरी मिलेगा आपको, ठीक है, विवेक बिंद्रा, आप क्या करना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के चैनल को आप फॉलो करते हो, डेली उनकी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, ठीक है, उनके चैनल पे जाना, सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले उनका चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करना, उनकी जितने भी बायोग्राफी वाली वीडियोस हैं, ठीक है, बायोग्राफी का बात कर रहा हूँ, बायोग्राफी वाला जितने भी उनकी वीडियोस हैं, लाइक सुंदर पिचाई के ऊपर, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, और हो गए सरदार पटेल के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, ये सब वीडियोज़ हैं, महात्मा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जितने भी बायोग्राफी वाली वीडियोज़ हैं सबको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है या तो देखना है, देख करके उसकी वीडियोज़ में, जैसे कि बिल गेट्स में, जैसे कि मान लो एक वीडियो हम लोग उठाते हैं कि बिल गेट्स की, मतलब छोड़ो बिल गेट्स के, रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा की एक वीडियो उठाते हैं, रतन टाटा की वीडियो उठाते हैं, उनको देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं स्टोरी रहती है हर एक वीडियो में, डॉक्टर विवेंद्र सर के एक बायोग्राफी वाली वीडियोस में, हर एक बायोग्राफी वाली वीडियोस में स्टोरी जरूर होती ही होती है। तो उसको क्या करना है, कोई भी स्टोरी आपको दिखे, जैसे रतन टाटा के वीडियोज़ में एक स्टोरी दिखती है कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, ये दिखती है, तो वहाँ से क्या करना, पहले एक स्टोरी आपको मिल गया, स्टोरी मिलने के बाद आप वहाँ पे क्या करना, जितना स्टोरी होगा उसको सुन लेना, सुनने के बाद आप क्या करना, उस पार्ट को, ठीक है, उस पार्ट को क्या करना, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना या तो डाउनलोड कर लेना, पूरी वीडियोज डाउनलोड करना या कर लेना या तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर, और जितना स्क्रीन रिकॉर्ड किए हो, जितना डाउनलोड किए हो, आप क्या करना, काइनमास्टर में जाना उस एनिमेटेड वाली वीडियोस को, केवल स्टोरी वाला एनिमेटेड वाली वीडियो, जैसे डॉक्टर विवेंद्र सर बोलते हैं यहाँ पे, और एनिमेशन यहाँ पे चलता रहता है, तो केवल आपको एनिमेशन वीडियोस केवल क्या करना है, कट करके काइनमास्टर में ले जा करके एनिमेशन वाला क्रॉप करके लेना और उनको हटा देना और उनका वॉइस म्यूट कर देना, एक बार पहले अच्छे से सुन लेना, सुनने के बाद म्यूट कर देना, उसके बाद वॉइस रिकॉर्ड काइनमास्टर में का ओपन करना और स्टोरी देख करके अच्छे से बोल देना है, बोलने के बाद रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें अच्छा सा एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ऊपर कैप्शन लिखना है, रतन टाटा शादी क्यों नहीं किए और ये लिखना है, और उसके बाद ओवरले ग्लिच एक अच्छा सा लगा देना है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है, ये सब करने के बाद सब कुछ आपका डन हो जाएगा, एक एनिमेटेड स्टोरी वाला वीडियो आपका बन के रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद उसके एक्सपोर्ट करके अपने चैनल पे अपलोड करना, मैं गारंटी देता हूँ यार उस पर मिलियंस में व्यूज आएंगे और लाइफ टाइम व्यूज आते रहेंगे, आपका चैनल ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है, मैंने ट्राई करने के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई करके उसको देखा, आजमाया, हाँ इस टाइप की वीडियोज वायरल होती हैं, मिलियंस में व्यूज आता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने चैनल पे एक शत्रुघ्न वाले चैनल पे यहीं पे इसी चैनल के नीचे जाना, वहाँ पे वो लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले इस चैनल का न्यू चैनल के नेम से, ठीक है, यहाँ पे जाना इस वाले चैनल पे आप देखना, ठीक है, इस पे व्यूज आ रहा है, लाइफ टाइम व्यू आता ही आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि लाल बहादुर शास्त्री को बेटे जब धूप में चक्कर खा के गिरे तो क्या हुआ, तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है मैंने, मतलब वो 4 वीक हो गया उस वीडियो को अपलोड किए, 4 वीक हो गया, और लेकिन पहले वीक क्या था, पहले वीक उसमें बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे थे, केवल 100-200 व्यू आ रहे थे, मतलब 100-200 व्यू आ रहे थे, उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद, यानी कि 1 हफ्ते बाद वो व्यू ऑटोमेटिकली बढ़ना इंक्रीज हो गया, क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो भी बंदा लाल बहादुर शास्त्री करके सर्च करता था, क्योंकि यूट्यूब का अपडेट आया है कि शॉर्ट वीडियो पहले दिखाएगा उस रिलेटेड, तो कोई जो भी बंदा सर्च करता था लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, वो मेरी वीडियोस दिखाता था, दिखा रहा है अभी भी, उसको देख रहे हैं, व्यू बढ़ रहा है, और आज के समय में उस पर 3.5 के व्यूज़ हैं और उस पर लाइफ टाइम व्यूज़ आता रहता है, डेली व्यू आता रहता है और बढ़ता है, डेली बढ़ता है, तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो, और उसको वायरल करने की कोई भी ट्रिक नहीं, बस अपलोड कर देना, बस टैग टैग
टेटली डिस्कशन लगा देना अच्छे से, ठीक है, सी यू अच्छा से अगर वगैरह कर देना, सब कुछ आपको सही हो जाएगा। इस प्रकार से जितनी भी बायोग्राफी वीडियोज हैं कि सुंदर पिचाई के ऊपर, और मतलब सुंदर पिचाई वाले देखना, जब सुंदर पिचाई वाले बायोग्राफी में देखना आप कि उन्होंने गूगल लेंस का कैसे इन्वेंशन किया, गूगल मैप कैसे इन्वेंशन हो गया, मतलब बहुत सारे वीडियोज़ हैं। एक वीडियो इसके ऊपर मैंने बहुत ही पहले बनाया था, उस वीडियो नहीं दिखे हैं तो आई डोंट नो, उसका लिंक दे दूँगा, देख लेना अच्छे से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको किस टाइप की मैं फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, बनाने की बात कर रहा हूँ, इस टाइप की लेना। और आप बात करते हैं कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा उनसे चैनल लेने के बाद, तो यार देखो कॉपीराइट नहीं आएगा, उनकी बहुत बड़ी टीम है, कॉपीराइट नहीं देंगे। कोई वायलेंस उनके खिलाफ थोड़ी ना फैलाया जा रहा है, हेट थोड़ी ना फैलाया जा रहा है, वो कॉपीराइट नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। और मतलब आपको फ्यूचर में सेफ रहना है तो क्या करना, जस्ट क्रेडिट देना डिस्क्रिप्शन में, सेफ रहोगे, कभी भी कॉपीराइट इन फ्यूचर भी नहीं आएगा, ठीक है। और वो कॉपीराइट देंगे भी नहीं क्योंकि यार उतना बड़ा चैनल है, ठीक है, वो सब कॉपीराइट नहीं देंगे थोड़ा सा वीडियो यूज करने के बाद। और यूट्यूब भी नहीं देगा, और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी होगा। अब सवाल आएगा आपके दिमाग में, इस टाइप की वीडियोज मोनेटाइज होंगे कि नहीं होंगे? भैया इस टाइप की चैनल मोनेटाइज होंगे क्योंकि यूट्यूब ने कहा है, उसका पॉलिसी है कि कोई वीडियोस, कोई यूट्यूब से वीडियोस लो, केवल उसमें अपना कुछ वैल्यू ऐड करके करने के बाद अपने चैनल पे अपलोड करो, वो मोनेटाइजेशन वो वीडियोस होगा, आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा। बस उसमें अपना वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, वो वीडियो लेकर उनका वॉइस कट करके अपना वॉइस डाल रहे हो ना, अपना कुछ प्रदर्शन उसमें कर रहे हो ना, कुछ अपना वैल्यू ऐड करोगे, कर रहे हो, अभी कर रहे हो, तो मोनेटाइज होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, और कॉपीराइट भी नहीं मिलेगा। इस टाइप की अगर वीडियोज़ बना लिए, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा, गारंटी मैं देता हूँ। और इस टाइप की आप YouTube पे सर्च करना, एक चैनल है मैं आपको बताता हूँ, लैंड ऑफ फैक्ट, देखना, लैंड ऑफ फैक्ट देखना इस चैनल को। इस चैनल ने उसी टाइप की वीडियोज अपलोड किया है, यार आप बिलीव नहीं करोगे, 28 मिलियन व्यू आया है, 28 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 22 मिलियन व्यूज आया है, इसी टाइप का अपलोड किया है, 28 मिलियन व्यूज आया है, 28 मिलियन व्यूज आया है। और इसके जैसा लैंड ऑफ फैक्ट की तरह वीडियो कैसे बनाए, फुल वीडियोस आने वाली है, बस वेट करना। अगर आप वीडियो मतलब बहुत ही दिन के बाद देख रहे हो तो भी वीडियोस आ जाएगा, या तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आई बटन में मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके उसको वॉच कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।